आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियो जो आज देश की हकीकत है और शायद सरकार इस चीज से मुंह फेर रही है जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं देश के अंदर। देखिएगा, आइए असली चीजें हैं, ये असली तकलीफें हैं देश के अंदर, आपको रूबरू कराता हूँ, देखिएगा। सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिया जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कोई नहीं सर। ऊंट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे, और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, यही अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मुसलमी है, स्वार्थी है। कब तक भागेंगे आप ये सवालों से? ये जनता के असली सवाल है। इन मजदूरों के आंख के आंसू निकल रहे हैं, इनके बच्चों के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार को नहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? सरकार तो अमीरों की है, विदेशों से विदेशियों के बच्चों के लिए, अपने हिंदुस्तान के अमीरों के बच्चों लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जाती है, उनको वहां से ले आया जाता है, लेकिन मजदूरों के लिए ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। यही चीज जो आज आप कर रहे हैं, आज आखिर आपने माना कि मजदूरों के लिए हमें व्यवस्थाएं करनी है, ट्रेनें चलानी है। काश यही चीज आप उस समय कर लेते जब मैं चिल्ला रहा था, तो शायद ये मजदूर आज अपने घर पे होते और कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बहुत कम होता। लेकिन सरकारें लेट जागती हैं। मैंने क्या गलत मेल किया था आपको? मैंने यही सारी मांगे की थी जो आज आप गैजेट निकाल रहे हो, आप जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हो। मैंने यही तो कहा था सारी अपने मेल में कि आप इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से पहले उनका स्वास्थ्य जांच किया जाए, फिर यात्रा की जाए, फिर जहां पहुंचेंगे वहां पे उनको क्वारंटाइन कर दे, उसके बाद घरों में अनुमति दे पहुंचने की। यही चीज तो आप कर रहे हैं। मैंने गलत क्या कहा था? सिर्फ मैंने मजदूरों की आवाज उठाई, इसके लिए मैं दोषी हो गया। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ना कि ये इनके जो अंडभक्त हैं, ये कहते हैं कि संकट की घड़ी में आप राजनीति कर रहे हैं। मेरे भाई, सरकार की जो निकम्मापन है, जो उनकी फेलियर है, उस पर सवाल करने का, उसको राजनीति नहीं कहते हैं। मुझे दुख होता है, ये हिंदू मुसलमान करने में दिन भर बिजी होते हैं, लेकिन जो 16 हिंदू रेलवे में मजदूर जो कट गए औरंगाबाद में, उसके लिए किसी भी अंडभक्त ने एक पोस्ट तक करके अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछा कि आखिर ये क्यों कट के मर गए। केंद्र सरकार के पास रेलवे होती है, वो रेलवे चला रही है, और यहां पे पैसा राज्य सरकार देगा कि केंद्र सरकार हम उलझे हुए हैं। इसमें देखना है कितने मजदूर अभी भी रस्तों पे हैं। आपको पता है सरकार कैसे काम कर रही है? मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, कोई हंसेगा नहीं, लेकिन प्रॉमिस करो कोई हंसेगा नहीं। ये सरकार इस तरह से काम कर रही है, देखिए, जरा देखिएगा, एक छोटा सा वीडियो है। No. बस यही हालात हैं देश के। सरकार तो चल रही है लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी कैसे? इनके औकात के बाहर की चीज है। आप लोग इसी तरह से सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। जो लोग भी मजदूर आपको रास्ते पे दिखे, कम से कम उन्हें पानी जरूर पिलाएं, क्योंकि वो भी अपने हैं, अपने ही परिवार का हिस्सा है, हमारे ही देश के नागरिक हैं। कहीं ना कहीं आज वो मजबूरी में है, कल को हम मजबूरी में होंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये सारी चीजें देख रहा है। तो किसी के आंसू न निकले ऐसी व्यवस्था हमें करनी है, किसी का पेट भूखा न रह जाए उसकी तैयारी हमें करनी है, और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। सरकार निकम्मी है, अगर सरकार के भरोसे बैठे हो तो भूल जाओ, सरकार खुद आपके भरोसे बैठी हुई है। आप पैसे दोगे तो सरकार चलेगी, सरकार तो खाली हो चुकी है ना, अमीरों के पैसे कर्जे खत्म करते करते उन्होंने देश की तिजोरी खाली कर दी है। अब आपको सलाइन लगाने के लिए, आपको इंजेक्शन देने के लिए, आपको दवाइयां देने के लिए इनके पास पैसे बचे नहीं है। पीएम केयर में दान मांग रहे हैं, बताएं, विश्व गुरु बनेंगे, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। ऐसे भारत आज के डेट में 100 साल पीछे जा चुका है, और इस बर्बादी में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि अंग्रेजों से ज्यादा अगर किसी ने देश को बर्बाद किया है तो हमारी इस माननीय सरकार ने किया है। मेरी आवाज उठती रहेगी, आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे TH Space Vinay VINAY Space Dubey DUBEY पे जुड़े,
फॉलो करें ताकि आगे से जो भी सरकार के खिलाफ जो गलत नीतियां हैं उसका मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूं और ये पूरे देश तक आप उसे फैलाते रहें। मैं तो अपनी आवाज उठा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता हूं, लेकिन क्या आप ये मेरी जानकारी, मेरी जो विचार है या जो मेरी सरकार से सवाल है, उस सवालों को आप हर उस भारतीय के मोबाइल तक पहुंचाते हैं क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको सही लगता है तो मेरी बात हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो इस समय तकलीफ में है, जो जानना चाहता है कि सरकार कर क्या रही है। तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों से पहुंचाएं और मेरे फेसबुक पेज पे जरूर जुड़ें ताकि सरकार के जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध तबीयत से उचित ढंग से कर सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।